Let's do question number 25 of exercise 11, that is area of parallelogram and triangles. Question number 25 is in the adjoining figure. Friends, figure दे रखी है. सबसे पहले figure बना लेते हैं. एक parallelogram types दे रखा है. Quadrilateral दे रखा है. ये कहेंगे A, B, C. नहीं. This is D and this is C. और ये इससे join है और ये इससे जॉइन है, ऐसे दे रखा है, राइट फ्रेंड्स. अब आगे क्या कह रहा है वो, ट्राइंगल एबीसी, राइट फ्रेंड्स, एंड डीबीसी आर ऑन द सेम बेस, दैट इज बीसी विद ए एंड डी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ बीसी, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल है डीबीसी के, राइट फ्रेंड्स. शो करना है हमें दैट बीसी बाइसेक्ट कर रही है एडी को. फ्रेंड्स, अगर मैं इसको ओ पॉइंट ले लेती हूँ तो हमें ये दिखाना है कि ए डी बाइसेक्ट हो रही है बी सी से. तो कैसे दिखाएंगे, हमें क्या गिवन है, गिवन हमें है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी के, राइट फ्रेंड्स. ये गिवन है और ये दोनों ट्राइंगल ऑन द सेम बेस है, राइट. अब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट बीसी बाइसेक्ट एडी, कि बीसी बाइसेक्ट कर रही है एडी को, राइट फ्रेंड्स. अब कोई कंस्ट्रक्शन, यस फ्रेंड्स, देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि ओ ए इक्वल है ओडी के, राइट फ्रेंड्स. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे दोनों तरफ, राइट फ्रेंड्स. ये दोनों का हाइट ले लेंगे, राइट, ये दोनों की हाइट हो गई. तो जब भी परपेंडिकुलर आता है तो वो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, राइट फ्रेंड्स. अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्क्रीट कर दूं तो मैं इजीली कह सकती हूँ ओ ए ओ डी के इक्वल है. जब ओ ए ओ डी के इक्वल हो जाएगी तो हम इजीली कह सकते हैं बी सी बाइसेक्ट कर रही है ए डी को, राइट फ्रेंड्स. तो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए ई लिख लो और ये एफ लिख लो, राइट फ्रेंड्स. ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी, राइट फ्रेंड्स. ये दोनों हो गए. अब प्रूफ करेंगे, हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया of triangle A B C equal है area of triangle D B C के, friends जो भी given होता है उसी से start करते हैं. ये दोनों equal हैं, जब ये दोनों equal हैं as above triangles are equal in area, are equal in area and had same base, then their altitudes are also same, altitudes are also same. कैसे same है, देखिए अगर मैं ABC triangle को लिखूं area उसका, तो area होता है half into base, base BC था, same base था, राइट फ्रेंड्स. और हाइट हमने ए ई निकाली जो कि हमने परपेंडिकुलर डाली, राइट फ्रेंड्स. इसी तरीके से अगर मैं डी बी सी का एरिया लूं तो हाफ बेस बी सी ही होगा और हाइट क्या हो जाएगी हमारी डी एफ, राइट फ्रेंड्स. तो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो ए ई किसके इक्वल आ गया, डी एफ के इक्वल आ गया, राइट. ये प्रूव्ड हो गया. अब इन दो ट्राइंगल्स में ये मैं कॉन्क्रेंट प्रूव करना है, तो इन ट्राइंगल AEO and triangle DFO, right friends, इन दोनों triangles में हमने क्या प्रूव किया अभी, AE equal है DF के, proved above, right friends. ये proved कर दिया, यहाँ पे प्रूव किया है, right friends. और क्या equal है, ये इसके equal है, right friends. अब ये देखिए 90 degree का angle है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी एल्टीट्यूड्स गिरते हैं बेस पे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं,
तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल डी एफ ओ ईच 90 डिग्री, राइट फ्रेंड्स। और क्या कह सकते हैं हम, देखिए ये क्या है आपस में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, कॉन्करेंट होगा ट्राइंगल, ए ई ओ कॉन्करेंट हो गया, तीन चीजें प्रूव्ड होते हैं ट्राइंगल डी एफ ओ के, राइट फ्रेंड्स। बाय कौन सा रूल, अगर हाइपोटेन्यूज भी होता तो आर एच एस होता, हाइपोटेन्यूज हमें प्रूव्ड करना है, तो ये कौन सा हो गया, साइड एंगल एंगल, तो एंगल एंगल साइड रूल से, राइट फ्रेंड्स। अब जब ये हो गया है तो हम सीपीसीटीसी से कह सकते हैं कि ए ओ इक्वल्स टू ओ डी बाय सीपीसीटीसी, राइट फ्रेंड्स। तो अब जब ये दोनों इक्वल हो गए इसके सीपीसीटीसी के, तो हम इजिली कह सकते हैं दैट बी सी बाइसेक्ट ए डी आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.